बल घोड़ांगन काठी भलाने नो पेनी ढक पेरवेश इतो राजा जदुवंश राव आई रे डोलरियो देश। सूर्य नारायण की प्रथम रश्मियां पृथ्वी के धरातल पर महकती हुई फैल रही हैं, मानो प्रकाश पुंज में से तराश कर बनाई हुई हों। वेद में जिसे उद्ब्रज अर्थात पानी से घिरा हुआ कहा गया है, उस सौराष्ट्र की भूमि पर नाना जातियों व परिवारों के संघर्षों एवं संस्कारों का प्रवाह पसरता आया है। शौर्य और संस्कार, कुलीनता और तेजस्विता, भक्ति और भोजन के अजस्र झरने इस प्रदेश में बहे हैं। छोटी बड़ी मिलकर 100 जातियों का सदियों से यहाँ सुभग समन्वय स्थापित हुआ है। अनगिनत जातिगत वैविध्य होने पर भी सौराष्ट्र में समन्वय का सुरीला संगीत मुखरित हुआ है। यहाँ की तेजस्वी तथा गौरवशाली एक जाति है जिसे काठी नाम से पुकारते हैं। काठी प्रजा सूर्योपासक मानी जाती है। आज भी सौराष्ट्र में थानगढ़ के निकट स्थित सूरज देवल के दो मंदिर काठियों के उपास्य देव स्थान है। समुद्र तेर बहु तेर आप सूरज गढ़ आया, पड़ तो पावर मेल पड़ पांचाल रचाया। जामे की दो जोर पीवान दिए पानी, सूरजय आली हांग हेम हथो हथ आनी। आ धर पांचाल काठी धनी, कमण बियो हमवड़ करे। आ जाड़े जपत जाम मारियो, वाले वड़ोच जिए। तो धरा पलटे कदी हुकम फरतो नहीं, अने खान सुल्तान नी आण फरती। फड़फड़ी उठे जा निरखता फेफरा, ए भी फौज मोगल तनी देश फरती। घाट खैबर गने रामेश्वर दक्षिणे, ई जपत मा देश ने जीत ली धौ। तई अश्वना स्वार थई हाथ तरवार लई, काठी है काठी आवाड़ की द्वार। जिस प्रकार सूर्य स्वयं शक्ति का अखंड व अजस्र स्रोत है, उसी प्रकार सूर्य की प्रतिमा प्राचीन काल के वीर योद्धा का स्मरण कराती है। हिन हिनाते सात अश्व, उसके ऊपर कवच युक्त हथियार से लैस सूर्य की प्रतिमा, हाथ में अश्वों की लगाम तथा पैरों में होल बूट, इस सुसज्जित सूरज प्रतिमा को देखकर अनायास ही मन में आनंद का भाव सुरित हो जाता है। There were so many branches amongst them, and Rajputs were a main branch of them, and of that Dhank was the capital, and Dhanwara was the ruler, who was a very far-sighted man, and he had 10 sons. So he knew that the other communities are conquering major portion of Saurashtra from them, and to save their community, he very intellectually started a thing that his first son, Vanarji, was married among Rajputs and continued to marry with Rajput Varas. His second son was married with Ayers, Vag and Champraj. Both were married with Ayers, which was a major population around about the center of Kathiawar, Surarashtra. Then his two sons were married with Kolis, who were inhabiting Panchal country. His third son was married in Kutch with Rajputs. Still they continue their marriages with Rajputs there. And his youngest son, Veravarji Athwa Viravara, was married with a Kathi girl, Rupdebai Patagarani, who had migrated from Kutch to Saurashtra. And their children, four sons and one daughter, was Varoji, Khacharji, Khumanji, Laluji,
and daughter was Sonbai. She was married with a Jau Kathi, and he is the chief Kathi priest of old Surya Deva, Juna Surya Deva, Bhagubapu, who is living at present. He is the descendant of those four brothers, and he married the daughter, Sonbai. So the name of the killa and village is Songad. Now the descendants of these Kathis started, they were of same breed, so they had to marry, intermarry with other Rajput families. सौराष्ट्र के गांव-गांव में सीम सिवान में गढ़ों की दीवारों पर नदियों के किनारे सिंदूर पुते स्मृति स्तंभ व स्मारक दृष्टिगोचर होते हैं जो शौर्य शहादत एवं प्रण पालन के ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह हैं। काठी प्रजा लड़ाका कौम थी, इसलिए प्रायः मध्यकालीन मर्द लोग बड़ी लड़ाइयों में वीर गति को प्राप्त होते थे। सौराष्ट्र में प्राप्त मृत्यु के स्मृति चिन्ह रूप स्मारक विशेषतया काठी प्रजा के होते हैं, जिन्हें पाड़िया कहा जाता है। काठियावाड़ में काठी जाति ने केवल युद्ध ही नहीं किए, बल्कि उसने सुंदर दरबारगढ़ एवं शक्तिपूर्ण अश्वों की एक उज्ज्वल परंपरा भी हमें विरासत में दी है। बीलखा, जसदंड, चूड़ा, हिंगोलगढ़, बाबरा, जेतपुर इत्यादि गांवों के दरबारगढ़ों की दीवारों को यदि जबान मिल जाए तो रंग बिरंगा अतीत हमारे सम्मुख अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हो जाए। अश्व सैकड़ों वर्षों तक मनुष्य का अवलंब रहा है, जीवन संग्राम का साथी रहा है। शास्त्रों ने भी अश्वों का भरपूर यशोगान किया है। सौराष्ट्र और अरब के अश्व तो ख्याति प्राप्त हैं। सौराष्ट्र के पांच रत्नों में घोड़े को परिगणित किया गया है। यहाँ उम्दा तोखार के पालन पोषण और तालीम का श्रेय काठियों को जाता है। छोटे कान, सुंदर मुख, मजबूत पीठ तथा सामान्यतः 5.5 फुट की ऊंचाई काठी घोड़े के विशेष लक्षण हैं। काठी समाज में जब दूल्हा विवाह के लिए आता है तब गांव के सीवान में घोड़ों के करतब दिखाए जाते हैं। इस पुरानी व मर्दानी परंपरा को इन्होंने सुरक्षित रखा है। सुरवाल, अचकन, साफा और कमर पर लटकती तलवार, यही काठी दूल्हे की विशेष पोशाक है। बारात में ढोल की थापों के बीच बंदूकों के धड़ाके सुनकर ऐसा प्रतीत होता है मानो योद्धा रणभूमि की ओर प्रयाण कर रहे हैं। वीरता और श्रृंगार का संवेद प्रदर्शन देखते ही बनता है। काठियों में अमीरी गरीबी के भेद दूर करने हेतु अमीर कन्या को सामान्य परिवार में और सामान्य कन्या को अमीर परिवार में ब्याहा जाता है। आर्थिक व सामाजिक असमानता पाटने का यह प्रयास सराहनीय है। ये सब टोलियां थी और उसमें तीन भाग थे, वो जो भायात बोला जाता है, खाचर, कुमार और वाला। उसके सिवा के जो वो उसमें लड़का लड़की की शादी नहीं होती थी, लड़का लड़की की शादी तो होती थी उनके बाद के जो काठी लोग कहते हैं अवरतिया काठी, वो अवरतिया काठी के लड़का और लड़की के साथ उसकी शादी होती थी। आज भी इतनी साल हो गई, मेरे ख्याल से हजारों साल हो गया, फिर उनके खातर, खुमान और वाला की लड़का लड़की की शादी होती नहीं। आतिथ्य भावना सौराष्ट्र के रक्त संस्कारों का परिणाम है, जिसे बचपन से ही बालकों को सिखाया जाता है। आंगन में आए हुए अतिथि को देवतुल्य माना जाता है। काठी प्रजा भी इससे विमुख कैसे रह सकती है? काठी स्त्रियों के लिए मांसाहारी भोजन तथा मदिरा आज भी वर्जित है। इतना ही नहीं, काठी पुरुष भी स्त्रियों के सम्मुख इसका सेवन नहीं कर सकते। बाजरा काठी की विशेष खुराक है। बाजरे के आटे को हथेली से टीप कर उसमें छाप लगाई जाती है, फिर उसे सुलगते हुए चूल्हे पर सेक कर पकाया जाता है। इस प्रकार तैयार किए गए रोट को भातला कहा जाता है। शुद्ध देसी घी से महकता भातला अतिथि को नाश्ते में दिया जाता है। काठी की संस्कृति की यह निजी विशेषता है। मेहमान को दीवार की तरफ बिठाने का एक कारण था, तब तो सब लड़ाई का जमाना था, और अगर मेहमान साइड में बैठे और पीछे से अगर कोई वार कर देवे, इसलिए घरवाला उसको मेहमान को दीवार की तरफ बैठाता था।
क्योंकि वो विमान की नज़र सामने रहे और पीछे से कोई वार न कर दे। और उसके साथ साथ दूसरा क्या रिवाज था कि मेहमान और घरवाला सब एक ही थाली में तीन चार लोग बैठकर खाना खाते थे। इसके पीछे भी वो लड़ाई का ज़माना था, इसके पीछे भी वही कारण था कि वो थाली में कोई चेयर बेद ना डाल देवे और कोई दगा न हो जाए, इसलिए सब घरवाला और मेहमान साथ में ही खाते थे, जिसके वो मेहमान को भरोसा पड़ जाए कि मेरी बर्तन में कुछ चेयर बेद है ही नहीं, और वो दिखाने के लिए सब साथ में बैठकर खाना खाते थे। हरी अरखिया काठी ने जोई, ओ हरी अरखिया किया काठी ने जोई, कहूं काठी समान नहीं कोई, काठी भला ने काठी का घर हुक्का और डायरा के बिना अधूरा ही प्रतीत होता है। ड्योढ़ी के डायरे में चारण कविराज शौर्य व बलिदान की विरदावली गाते हैं। बारोट के मुंह से अपनी जाति की पूरी वंशावली एवं अतीत गरिमा का गान सुनकर आज भी काठी गौरव का अनुभव करते हैं। सामान्य रिवाज तो समाज का रिवाज के साथ ही वो जीते हैं, फिर भी बहुत से रिवाज ऐसा है जो समाज रिवाजों से अलग होता है, जो उसमें सम्मान प्रिय बाबत हैं कि वो जो डेली पर बैठता है जिसको हम चौपाट कहते हैं, वो चौपाट पर बड़ा दायरा लगा हुआ है, उनमें जो कोई आगेवान आ जाता है, उनसे बड़ा आ जाता है, तो सब एक ही साथ उठकर उसको सम्मान देते हैं। और जब वो भोजन करने जाता है तो भी एकला अकेला भोजन नहीं करता है, उनके साथ दो चार आदमी गढ़वी हैं, ब्राह्मण हैं, उनके साथ ही भोजन करते हैं। उसका रिवाज में उसका जो जीवन है इसमें ज़्यादा पुरुष लोग चौपाट पर रहते हैं और महिलाएं हैं ये सब रनवास में रहती है, और बड़े बड़े आदमियों का मलाजा भी करती हैं। और इसमें जो बड़े हैं जिसकी उम्र बड़ी है महिलाओं की, वो मलाजा रखते हैं ज़्यादा करके, और सुबह में भी सूर्य का दर्शन करते ही वो अनाज लेती है, अगर जिस दिन सूर्य का दर्शन नहीं होता है तो उस दिन वो उपवास खींच देती है। और उसका लग्न रिवाज भी ऐसा ही है, जब लग्न जाती है तो वो पूरा मलाजा से अदब से ही वो जो फेरा फेरती है कन्या के साथ, और घोड़ा वगैरह सब ले जाते हैं, और आने के बाद सभी ब्राह्मणों को साधुओं को जो दायरा रखते हैं उसमें सखावत करते हैं। वो इसी तरीके से उनका रिवाज थोड़ा सा बहुत समाज का रिवाज से अलग होता है। बताएंगे कि काठी औरतों को बाहर आने में इतनी हिचकिचाहट क्यों होती है? आपने जो बताया वो सही है। अगर शुरू से बात करें, जब काठियावाड़ में विदेशियों का आगमन हुआ तब उनके दुराचारी आक्रमणों से अपने नारी समाज को बचाए रखने के लिए स्वावलंबी काठी पुरुषों ने घूंघट प्रथा की शुरुआत की, और ये जो हिचकिचाहट की आप बात कर रहे हैं उसका मूल कारण, उसका रूट कॉज आपको वर्षों से चली आती इस घूंघट की परंपरा में मिलेगा।
और आश्चर्य की बात तो ये है कि घूंघट में रहने के बावजूद भी काठी नारी बड़ी ही प्रतिभा संपन्न, नीडर और बुद्धिमती है। इतिहास के पन्नों पर आपको कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे जब वक्त आने पर राणियां और राजमाताओं ने बड़ी ही कुशलता से राज्य की धुरा संभाली थी। और सिर्फ राज्य में ही नहीं, कला कारीगरी में भी काठी नारी का एक बहुत ही अनोखा स्थान है। उसके लंबे पंचम सुरों में गाए हुए शादियों के गाने एक अनोखा ही आह्लाद देते हैं। गौतम भाई मोती काम की जो कृतियां हैं उसमें आपको माइकल एंजेलो के पेंटिंग की जैसी सिमेंट्री प्राप्त होगी। ये बिल्कुल ही निरक्षर नारियां छोटे छोटे मोतियों से ऐसे अक्षर बनाती है जिसको देखकर शायद कोई भी ताजुब से रह जाए। अच्छा, आजकल काठी समाज में नारियों का क्या स्थान है, उनका शिक्षा का स्तर कैसा है, यह आप बताएंगे? काठी नारी तो क्या, मर्द में भी शिक्षण की मात्रा बहुत कम है। अन्य नारी समाज की तुलना में आज भी काठी का नारी समाज प्रतिभा संपन्न होने के बावजूद भी काफी पीछे है। काठी पुरुष बरसों से सत्ताधीश रहा है और वो राजगद्दी और उससे प्राप्त धनराशि को भुगता आया है। इसके कारण वो स्वावलंबी और कुछ हद तक घमंडी भी बन गया है। इसके कारण स्त्री का महत्व दिन प्रतिदिन कम होता गया और एक समय आया जब स्त्री सिर्फ चार दीवारों में बंद रहकर सांस लेने लगी। उनके बाहर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। और दूसरी बात तो ये भी है कि मिल्कत तो थी काठियों के पास, लेकिन स्वतंत्रता के बाद राज्य चले जाने के बावजूद भी सरकार ने उसे काफ़ी सुविधाएं दी, जिसके कारण उसे शिक्षण का, फॉर्मल एजुकेशन का महत्व कभी पता ही नहीं चला। आज तक भी वो महत्व उसे इतना पता नहीं है जितना आम जनता को है। ये दो मुख्य कारण के हिसाब से काठी नारी आज भी टैलेंटेड होने के बावजूद भी काफी पीछे हैं। काठियों का घर मजबूती, नक्काशी, सुरेखता, सुरूपता, स्वच्छता एवं समृद्धि का उत्तम उदाहरण है। बड़े कमरे में शोभित ढाल तलवारें, कशीदाकारी के उत्तम नमूने, मोती काम, कटावदार नमूने, चित्रकारी, पिटारे व पीतल के बड़े डिब्बे तथा हिंडोला काठी घर की विशेष पहचान है। काठी स्त्रियों ने सौराष्ट्र को अपनी खूबसूरत कशीदाकारी की भेंट दी है। वे बाल्यावस्था से ही कशीदाकारी के बढ़िया नमूने बनाना शुरू कर देती हैं। जब वे ससुराल जाती हैं तो अपने साथ ये सारे नमूने ले जाती हैं और अपने घर को सजाती हैं। घर की दीवारों पर रेशम और मोतियों से किया गया अनुपम श्रृंगार मन को मोह लेता है। कमरे की दीवारों पर
एक छोर से दूसरे छोर तक मोतियों से काढ़ी हुई पट्टियां और उनके ऊपर तांबा पीतल के चमकते घड़ों हंडों की कतार अनोखापन उत्पन्न करती है। वैसे कमरे की दीवार पर 7 पंक्तियां होती हैं। सबसे ऊपर चमकीले बर्तन और उनके नीचे कशीदाकारी के नमूने होते हैं। फिर प्याले आदि छोटे बर्तनों की पंक्ति होती है। उसके नीचे मोती काम व कशीदाकारी के नमूने होते हैं। फिर बड़े बर्तनों की कतार होती है। उसके नीचे देवी देवताओं की तस्वीरें सजाई होती हैं। जहाँ घर के द्वार होते हैं वहाँ अविच्छिन्न मोतियों की पट्टियाँ लगाई जाती हैं। मकान की छत के नीचे लटकते झाड़ फानूस घर की शोभा में 4 चांद लगा देते हैं। इन सब का समग्र प्रभाव अनूठी चित्रकला का अनुभव कराता है। क्योंकि हमारी औरतें ज़्यादातर बाहर नहीं निकलती, पर्दा रखती है और घर के काम कैसे और कुछ होते नहीं। फिर उसके उसमें कला सूझ तो थी, तो वो अपना टाइम पास करने के लिए वो मोती काम और भरत काम जब वो छोटी लड़की है तब से वो शुरू कर देती है। और जब वो अपने ससुर जाती है तो हमारे में वो दाईजा का तो कुछ रिवाज है ही नहीं, तो जब वो ससुर जाती है तब अपने हाथ से बनाए हुए ये सब भरत काम और मोती काम के चीज़ वस्तुएं वहाँ ले जाती है, तो उधर उसका परख होती है कि उसमें कितनी कला सूझ है। Now, since then, abolition came, and then the talukdars had to leave all their properties to the farmers and were given compensation, and on the compensation, they are existing today. But one good thing appeared from that, that instead of working as cultivators, they started towards the education side, and that way they are going rising, and at present a big number is in government service with qualification, degrees, education and everything. વિશેષતા તો તે તળપદ કાઠિયાવાડ છે ને, એટલે તળપદ કાઠિયાવાડ એટલે લગભગ અમરેલી જિલ્લો, થોડોક ભાવનગર જિલ્લો, થોડોક જૂનાગઢ જિલ્લો, એ મૂળ કાઠિયાવાડ કહેવાય છે એમાં. અને કાઠીની પરજ છે પાસે વાળા ખાચર ખુમાણ, પણ એમાં પાછા રાજપૂત કુળો ભળી અને કાઠી કુળ ઊભું થયું છે. એ મુખ તો અમરેલી જિલ્લામાં, કેટલીક જૂનાગઢ જિલ્લામાં, કેટલીક ભાવનગર જિલ્લામાં, રાજકોટ જિલ્લામાં છે, જામનગર જિલ્લામાં છે, એમ વેચાયેલી છે છૂટક છૂટક છૂટક, એક જથ્થે બહુ નથી. પેલા તમારે ગરાસ હતા ખરા? ગરાસ અમારે હતા પેલા. કેટલા ગામના? 3 ગામ હતા. તો અત્યારે તમને કેવું લાગે છે? પેલા તમારે ગરાસ હતા? ગરાસ કરતા ત્યારે અમને એમ જીવન ઠીક લાગે. તો પછી અત્યારે હવે તમને શું લાગે છે? ત્યારે અહીં ઈ ગરાસ કરતા ત્યારે જીવન અહીં સારું જીવે. અત્યારે સારું લાગે છે? કેમ એમ? સીધી રહેતા નતા ને ઓળે ખેડૂ ખુદ જતા નતા, પૂરા અડધા પૂછા રહેતા ને મત શો કરતા. અત્યારે તો કાંઈ નથી રહ્યું, તો પાછું આવેલું થયું ને તો કાપડું પાછું ખેંચી ગયા. કોણ? એ આવડા ભાઈ નતા ઉભા. હા હા, એ લોકો આગળ કે વહી ગઈ ત્યારે ને અમને નો રવા દીધી. કા? અમારે અમારી જમી કે એટલે એમણે કીધું. હા અમે કહેશે કે અમારે ઓલા 3 ગામ હતા ત્યાંથી બુક કરતી નતા, અત્યારે કાંઈ જલસા દીવ ગયા તો પાવડો લઈને વેપો થઈ જાય. ઘોડા તમે ક્યાં હતા? 10,000 રૂપિયા થાય ક્યાંય કાઢવા. હા પણ તમને ઘોડા રાખવાનો શોખ તો શોખ તો હોય પણ એને ખવારવું જોવે. એટલે એટલે ઘોડા રાખવાનું તમને મળી ન રહે? ક્યાંથી મળે? પણ 10,000 રૂપિયા કોણ દે? લ્યો આ કહેશે તમને મળે ન રહે પણ મળે રહે. પણ 10,000 રૂપિયા હોય એને પછી સાકરી કરી દે, 12 મહિને ઘોડું કેટલું ખાય ખબર તમને? પહેલે કે જમાને મેં જો કાઠી જ્ઞાતી થે वो ज़्यादा जागीरदार थी. किसी के पास 1 गांव होता और इसी के पास 5 गांव होता था, और उनके पास जो जागीर थी उनकी आमदनी आती थी, उनमें से उनका निभाव होता था. और जब आज़ादी आई और सभी जागीर खालसा गवर्नमेंट ने कर दिया, तो इनके पास जो बची हुई ज़मीन थी उनमें से ही उनका निभाव होता था. और इनके साथ ही उनका जो प्रजा थी गांव की, उनका रक्षण करते थे. और इनके बारे में जो किसान फसल पकाते थे उसमें उसको राजभाग और दरबार भाग, जागीर भाग देते थे, उसमें उनका पूरा परिवार का निभाव होता था. जिनके पास जमीन थी थोड़ी बहुत उनमें फसल पकाने लगे, उसमें उनका कुटुंब का निभाव होता था. और जिनके पास जमीन नहीं थी
वो सब वर्तमान परिस्थिति के अनुसार कई परिवारों नौकरी में लगा है, कोई धंधा में लगा है, और ऐसे ही ऐसे अपना निभाव के लिए और तरीका ढूंढ निकाला है उन्होंने। फिर भी परिवर्तन की हवा से तो कोई भी पर रह नहीं सकता। शिक्षण जगत की ये हवा इस दुनिया में भी आ रही है, और नई हवा से ये समाज भी अपने फेफड़े भरी रही है, जिसके पद चिन्ह जैसे हम सभी बहनें हैं, जो बाहर रहकर पढ़ लिख कर घर के बाहर के काम में कार्यरत रहती है। इसलिए परिवर्तन आ रहा है, बहुत स्लो है, फिर भी आ तो रहा है। बहुत साल से जो बातें बन गई है, जो रूढ़ी हो गई है, उसकी जड़ तुरंत ही तोड़ डालना, निकाल देना इतनी आसान बात तो है ही नहीं। फिर भी कोशिश तो जारी है, आशा है हमारे जैसे और भी लोग होंगे जिसके कारण हमें इस बड़ी बात में सफलता मिलेगी। उनकी स्त्री समाज देखिए, उनका शस्त्र देखिए, उनका अश्व देखिए, उनकी जीवन शैली देखिए, उनका पहरवेश देखिए, सभी में वही छाप एकदम निखर के उठती है जो आगवी शैली की होती है, जो काठी संस्कृति कहा जाता है। ये आप जो बोलते हैं, ये जो आप मर्म करते हैं, जो आपकी जो भाषा है, अरे हलन चलन की जो एक क्रिया होती है, उसी में भी काठी स्त्री पुरुष और बालक काठी का वो कहा जा सकता है कि ये काठी संस्कृति की एक कमाल है कि आज तक भी उन्होंने वही संस्कृति के लिए अपना जीवन में वो एक स्थान बनाया है। सौराष्ट्र की वीर व गरिमापूर्ण काठी प्रजा के रहन सहन में स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात बहुत से परिवर्तन हो गए हैं। संघर्षों का युग अस्त हो गया है, और जमींदारी व जागीरी का उन्मूलन हो जाने से काठियों के जीवन निर्वाह का कोई विशेष साधन नहीं रहा। इस समाज का अल्पांश सुशिक्षित होकर अवश्य आगे बढ़ा है, किंतु अधिकांश लोग आज भी अल्पशिक्षित हैं, अतः उनकी आर्थिक स्थिति शोचनीय है। आजकल वे किसानी, मजदूरी या अन्य छोटे व्यवसायों में व्यस्त हैं। आजकल काठियों की पुरानी परंपराओं और मर्यादाओं में काफ़ी अंतर आ गया है। फिर भी धर्म स्थानों के प्रति आस्था, कला कौशल, आतिथ्य भावना एवं वीर भावना अब भी बरकरार है। काठी समाज आज भी अपने विशिष्ट संस्कारों के कारण सौराष्ट्र के लोक जीवन की पहचान कराता है। डारे वाढीन या बातमे रोपयो, खिजडारे वाढीन या बातमे रोपयो, माई खोदावो वण दारू तळावरे, दरबार दुला राजा एक वार हा चोर ना मिले रे आवयो, एक वार हा चोर ना मिले रे आवयो। बलू रे बिलोरिया तारू रे बेसणू, बलू रे बिलोरिया तारू रे बेसणू, मारी नाख्यो मारो नव कुळी मायलो नागरे, मारी नाख्यो मारो नव कुळी मायलो नागरे, दरबार दूला राजा एक वार हा चोर ना मेळे रे आवयो, एक बार हाँ चोर ना मिले रे आवजो। राणियों रूवे से रंग मेल मा, राणियों रूवे से रंग मेल मा,
સાસી રૂવે ડેલિયું ને દરબાર રે દરબાર દુલા રાજા એક વાર હા ચોર ના મેળે રે આવજો એક વાર હા ચોર ના મેળે રે આવજો જાજરે પોજુ દરબારુની સૂટી જાજરે પોજુ દરબારુની સૂટી જોરે મારે જોધાણા મોટા શેર રે દરબાર દુલા રાજા એક વાર હા ચોર ના મેળે રે આવજો ખીજડા રે વાઢી ને આંબા તમે રોપજો ખીજડા રે વાઢી ને આંબા તમે રોપજો